नमस्कार, 5 की 8 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। अपने देश से दूर 10,000 पाकिस्तानी छात्र बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं। ये छात्र अब शाहबाज शरीफ से यह अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाए। किर्गिस्तान में अचानक जो दंगे हुए हैं उसने हजारों विदेशी छात्रों को परेशान कर रखा है। इसमें भारत के छात्र भी हैं जिन्हें भारतीय दूतावास ने घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। आखिर एक रात में किर्गिस्तान के अंदर क्या हो गया कि दक्षिण एशिया तक दहशत फैल गई है, आइए देखते हैं। किर्गिस्तान से आए ये वीडियो बहुत बेचैन करने वाले हैं। किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया का वो देश है जहां दक्षिण एशिया के सैकड़ों छात्रों पर हमला हुआ है। पाकिस्तान के छात्रों को लेकर आ रही रिपोर्ट तो बहुत डराने वाली है। बांग्लादेश के छात्रों पर भी हमला हुआ है। भारत के छात्रों को अपने हॉस्टल या घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हिंसा बहुत ज्यादा हुई है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो की बाढ़ सी आ गई है जिसमें पाकिस्तान के छात्रों को बुरी तरह से जख्मी दिखाया गया है। पाकिस्तान के छात्र वीडियो मैसेज के जरिए बता रहे हैं कि उनकी हालत क्या है। किर्गिस्तान में मेडिकल पढ़ने आए हैं तो yesterday there was a conflict between Arabics and locals, so due to that conflict the locals are right off in very rage. 3 students have been murdered and they are using knives, guns and everything, not even women, boys, children, no one is safe. मैप पर देखिए किर्गिस्तान कहाँ है। ये सेंट्रल एशिया का एक देश है। दिल्ली से किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक 1600 किलोमीटर दूर है। किर्गिस्तान में 60,000 से ज्यादा विदेशी छात्र पढ़ते हैं और ये तादाद पूरे सेंट्रल एशिया में सबसे ज्यादा है। इनमें 1/4 यानी करीब 15,000 भारतीय छात्र हैं, जबकि पाकिस्तान के 10,000 छात्र किर्गिस्तान में पढ़ते हैं। छात्रों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया है। हॉस्टल में घुसकर छात्रों को पीटा गया है। तोड़फोड़ तो बहुत ज्यादा हुई है, कुछ वीडियो तो दिखाने लायक भी नहीं है। जिस हॉस्टल पर हमला हुआ है उसमें कई भारतीय और बांग्लादेशी छात्र भी रहते हैं। ऐसे में खतरे में सब आ गए, लेकिन रिपोर्ट है कि भारत के सभी छात्र सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिश्केक में भारतीय दूतावास के ट्वीट को रीट्वीट किया है और बताया है कि एम्बेसी छात्रों के संपर्क में है, हालात अभी शांत हैं, लेकिन छात्रों को सलाह दी गई है कि वो अभी बाहर ना निकलें। साथ में किसी भी समस्या के लिए दूतावास से संपर्क करें। ये बात ट्वीट करके दूतावास ने अपना स्थानीय नंबर भी दिया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए खबर अच्छी नहीं है। पाकिस्तान का दूतावास इस वक्त बहुत प्रेशर में है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि कई कॉलेजों और हॉस्टल में किर्गिस्तान के सुरक्षाकर्मी तैनात करने पड़े। 17 मई को यहाँ पे सब के सब इकट्ठे होके जहाँ जहाँ पाकिस्तानी को देखा गया है उनको मारा है, उनको पीटा है, यहाँ तक कि इनके हॉस्टल्स में घुस के दरवाजे तोड़ के, यहाँ लड़कियाँ थी, लड़के थे, सबको मारा गया है। जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अगर बेड के नीचे घुसे हैं तो बेडों के नीचे से निकाल के उनको मारा गया है, और इनके अलावा अगर कोई वॉशरूम छुपा तो वॉशरूम के दरवाजे वगैरह तोड़ के इनको मारा गया। किर्गिस्तान में 13 मई को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में किर्गिस्तान के स्थानीय और मिस्र के छात्रों के बीच झगड़ा दिखाया गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बिश्केक में छात्रों के गुट काफी गुस्से से भर गए, तनाव फैलता गया। और फिर राजधानी बिश्केक में 17 और 18 मई की रात को अचानक हिंसा भड़की। विदेशी छात्रों को टारगेट किया जाने लगा। मारपीट में 28 लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के छात्र सबसे बड़े टारगेट बने हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि किर्गिस्तान में पाकिस्तान के छात्रों को लेकर बहुत फिक्र है। पाकिस्तान के दूतावास को मदद पहुंचाने के लिए कहा गया है। दूतावास से लगातार संपर्क में है और हालात पर नजर रखी जा रही है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से छात्र हर साल किर्गिस्तान या सेंट्रल एशिया के दूसरे देशों में मेडिकल समेत कई कोर्स में दाखिला लेते हैं, लेकिन बिश्केक में हिंसा का जो दौर चला है उससे हजारों छात्र सदमे में हैं। पाकिस्तान में तो बेचैनी बहुत ज्यादा है क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट तो पाकिस्तानी छात्र बने हैं। पाकिस्तान की हेडलाइन तो डराने वाली है। पाकिस्तान के छात्रों पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। कई रिपोर्ट में तो ऐसी भी बात सामने आई कि कुछ छात्रों की मौत हो चुकी है।
लेकिन इस बात को खारिज भी कर दिया गया। पाकिस्तान की पूरी हुकूमत किर्गिस्तान में हुए दंगे से हिली हुई है। शहबाज शरीफ की सरकार किर्गिस्तान में लगातार फोन लगा रही है, हजारों छात्रों की खैरियत पूछ रही है। वैसे कुछ तस्वीरें राहत वाली ये हैं कि कई स्थानीय लोगों ने दक्षिण एशिया के छात्रों की मदद की है, ये तस्वीरें इस बात की गवाह है। हालांकि अब पाकिस्तानी छात्रों ने अपनी सरकार से मांग की है कि उन्हें वापस घर बुलाया जाए। इधर पुतिन के चीन दौरे के बाद अमेरिका बौखलाया हुआ है। चीन के साथ पुतिन की गहरी दोस्ती से अमेरिका को इतनी चिंता आखिर क्यों हो रही है? बीजिंग में पुतिन शी जिनपिंग के बीच जो 10 समझौते हुए हैं उनमें ऐसा क्या है जिसे अमेरिका विनाशकारी मानता है? अमेरिका क्यों यह मानकर चल रहा है कि पुतिन के चीन दौरे के बाद यूक्रेन में युद्ध की आग और भड़कने वाली है? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगा। रूस चीन के बीच सबसे बड़ी डील। पुतिन ने बीजिंग में किया बड़ा ऐलान। शी जिनपिंग ने लगा दी प्रस्ताव पर मोहर। रूस चीन दोस्ती का सबसे निर्णायक मोड़। इसमें कुछ भी छिपाने वाली बात नहीं है कि रूस चीन के बीच पुतिन की बीजिंग यात्रा ने दोस्ती की नई इबारत लिखी है। इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है कि रूस चीन दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है कि पुतिन शी जिनपिंग की दोस्ती देख अमेरिका जल भुन रहा है। सवाल है कि फिर पुतिन की चीन यात्रा के दौरान ऐसा क्या हुआ कि बाइडेन ने शी जिनपिंग को नई धमकी दे डाली? 2 दिन चीन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस दौरान पुतिन का भव्य स्वागत किया। दोनों गले मिलते दिखे, डिनर करते दिखे, एक दूसरे के साथ बेहद कंफर्टेबल दिखे और वार्ता की मेज पर दोनों ने कई संधि पत्रों पर हस्ताक्षर किए। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद ये दोनों नेताओं के बीच चौथी मुलाकात है। 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के 9 दिन के भीतर ही पुतिन चीन के दौरे पर पहुंचे हैं, तो इसके बड़े मायने हैं, वो भी ऐसे समय में जब रूसी सेना यूक्रेन के खार्किव शहर में घुस रही है। पुतिन इससे पहले अक्टूबर 2023 में चीन गए थे। दोनों के बीच लगभग 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें सैन्य अभ्यास का विस्तार भी शामिल था। रूस यूक्रेन जंग के शुरुआती दिनों में ही पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कह चुके हैं कि उनकी आपसी साझेदारी की कोई सीमा नहीं है। जिनपिंग ने मार्च 2023 में मॉस्को का दौरा किया था, तब उन्होंने कहा था कि ये दोनों देशों के बीच नए युग की शुरुआत है और इसका इंस्पेक्ट भी दिखा। यूक्रेन युद्ध के बाद से चीन पर पश्चिमी देशों का ये आरोप रहा है कि वो रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है। हालांकि चीन ने इसका बार बार खंडन किया है, लेकिन अमेरिका चीन की दलील को सिरे से खारिज करता है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, यूक्रेन जंग के मामले में अमेरिका G7, नेटो और EU देशों का एक ही पक्ष है। रूस को हथियार देकर चीन न सिर्फ यूक्रेन की सुरक्षा खतरे में डाल रहा है, बल्कि इससे यूरोप पर भी असर पड़ेगा। वो यूरोप के सबसे बड़े खतरे को बढ़ावा दे रहा है। इस बीच पुतिन का मकसद चीन से हथियार खरीदने से ज्यादा अपने व्यापार को बढ़ाना दिख रहा है। पुतिन के अब की बार के चीन दौरे का मूल मकसद भी कारोबार ही रहा। ऐसा कहा जा रहा है कि क्या रूसी सरकार के राजस्व का लगभग आधा हिस्सा तेल और गैस की बिक्री से आता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद प्रतिबंधों की वजह से ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों के लिए रूस के तेल और गैस की बिक्री में भारी गिरावट आई है। रूस इस गिरावट को चीन को गैस और तेल सप्लाई कर जीरो करना चाहता है। यही वजह है कि 2023 में रूस सऊदी अरब को पछाड़कर चीन को तेल बेचने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। चीन ने रूस से साल 10.7 करोड़ टन कच्चा तेल आयात किया। साल भर पहले के मुकाबले ये 24% अधिक था। What they have in common is a desire to challenge the international rules-based order, challenge the network of alliances and partnerships that the United States enjoys and which President Biden has strengthened in his time in office, and to try to look for ways to bolster each other's national security interests as well. So we didn't see anything coming out of this meeting that we were necessarily surprised by. I wouldn't go so far as to say we weren't concerned about this relationship and where it's going. Of course we are, and we're watching it closely. Putin ke Chin daure ka focus Power of Siberia 2 project ke agreement ko final karna hai.
इस पाइपलाइन के जरिए रूस साइबेरिया से मंगोलिया होते हुए चीन को गैस सप्लाई कर सकेगा। यूक्रेन जंग के बाद से यूरोप को जाने वाली नेचुरल गैस की सप्लाई रुकी हुई है, ऐसे में रूस इसे अब चीन भेजना चाहता है। चीन और रूस दोनों की नीतियां अमेरिका के लिए तनाव का कारण रही हैं। रूस का यूक्रेन पर हमला कर देना और चीन का बिना ऐलान के हथियारों से रूस का सपोर्ट करना, बदले में ताइवान के मुद्दे पर पुतिन का चीन को समर्थन करना अमेरिका का तनाव बढ़ाने वाला है। Мы спросили, надо отвести войска от Киева. Мы сделали это. На следующий день они выбросили все наши договоренности в помойку и сказали, ну теперь будем воевать до конца. Сказал господин Арахами, а именно он был во главе делегации, сегодня он возглавляет. Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь. स्विट्जरलैंड में होने वाली शांति वार्ता में चीन के भी शामिल होने पर संशय है, क्योंकि चीन ने कहा है कि शांति वार्ता से पहले बहुत सारा काम करने की जरूरत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि स्विट्जरलैंड की शांति वार्ता में तीन मुद्दों पर सहमति बन जाए। इन तीन मुद्दों में सबसे पहला है, काला सागर में जहाजों के फ्री नेविगेशन की सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वैश्विक खाद्य संकट से निपटा जा सके और यूक्रेन के अनाज को निर्यात की सुविधा मिल सके। दूसरा मुद्दा है, युद्ध में ऊर्जा केंद्रों पर हमले बंद हों। और तीसरा मुद्दा है कि यूक्रेन से रूस गए हजारों यूक्रेनी बच्चों की वापसी हो। यह तो तय हो चुका है कि रूस यूक्रेन में जंग जीत रहा है, लेकिन इस बीच हारते यूक्रेन ने रूस पर ऐसा भीषण हवाई हमला किया जिसने पुतिन को खून के आंसू रोने को मजबूर कर दिया। इधर पुतिन ने यूक्रेन के खार्कियों में हमले तेज और घातक कर दिए। अमेरिका को कहना पड़ा कि अगर रूस नहीं रुका तो फिर अमेरिका सीधी जंग में कूद पड़ेगा। उड़ा दिया हवाई अड्डा, रूस का डबल बदला। अब तक यूक्रेन 5 बड़े इलाके रूस से हार चुका है। अब तक यूक्रेन के 119,000 वर्ग किलोमीटर इलाके को रूसी सेना रौंद कर कब्जा कर चुकी है। हालांकि हारता यूक्रेन रूस से जंग जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। अमेरिका और नेटो से मिली लंबी दूरी की घातक मिसाइलों से यूक्रेनी सेना क्राइमिया में रूस से बदला लेने की कोशिश में है। दावा किया जा रहा है कि रूस की बेहतरीन एयरफोर्स को तबाह करने के लिए यूक्रेन ने लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका से मिली लंबी दूरी की मिसाइलें इस्तेमाल की हैं, जिन्हें अटैकम्स कहा जाता है। दावा किया गया है कि रूस के कब्जे में मौजूद क्राइमिया के बेल बेक एयरबेस पर यूक्रेन ने मिसाइलों से हमला किया है। Олександр Сирський, він доповів про ситуацію в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина, там, де зараз найважче. Він перебуває якраз в ключових місцях боїв. रूस पर यूक्रेन का यह हवाई हमला बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि साल 2014 से ही क्राइमिया रूस के कब्जे में है और यूक्रेन क्राइमिया से रूस का कब्जा हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। जरा देखिए रूस को क्राइमिया में मौजूद अपने लड़ाकू हवाई अड्डे पर कितना नुकसान हुआ है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक रूस के 3 जेट मार गिराए हैं। रूस के 2 MiG-31 जेट और 1 Su-27S मिसाइल हमले में मारे गए हैं। दावों के मुताबिक यूक्रेन के इस हमले में अमेरिका से मिली MGM-140 अटैकम्स मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हालांकि रूस का दावा है कि उसने 10 से ज्यादा यूक्रेन की MGM-140 अटैकम्स को आसमान में ही तबाह कर दिया है। यूक्रेन भले ही इस हमले पर इतरा रहा हो, लेकिन हकीकत में यूक्रेनी सेना रूस के सामने टिक नहीं पा रही है। पिछले 72 घंटों में भीषण हमलों से पुतिन ने ज़ेलेंस्की को दिखा दिया है कि यूक्रेन को अमेरिका और नेटो के 32 देश मिलकर भी बचा नहीं पाएंगे। पिछले 800 से ज्यादा दिनों से चल रही रूस यूक्रेन जंग का नतीजा अगर एक लाइन में पूछा जाए क्या रहा, तो साफ कहा जा सकता है कि यूक्रेन कागजों में जीत रहा है और रूस जमीन पर। Того, что происходит на Харьковском направлении. Это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Ну,
там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Замин пар руси хамло не Украин ке читре ура кар рак дие. Пачми бар рус ка рашопати банне ке бад се ачанак рус ке хамле Украин пар пач гуна тези се хо рэе. Джанкаро ке мутабик 24 фарвари 2022 ке бад се пехли бар рус не итне бишан хамле кие. Украин ке рашопати Зеленский так ман чуке, ке ис вакт Харкиу ме рус ке хамле чаро तरफ से हो रहे हैं। रूस के फाइटर जेट और ड्रोन यूक्रेन में घुसकर हमले कर रहे हैं। जमीन पर टैंक, पैदल सेना, तोपखाना और रूसी रॉकेट आर्मी ने यूक्रेनी सैनिकों की कमर तोड़ कर रख दी है। रूसी मीडिया के दावों के मुताबिक बुलावा यानी आरएसएम 56 एक आईसीबीएम है जिसे पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया है। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप पर हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन पर बुलावा मिसाइल से हमला किया है। लगभग 5600 किलोमीटर दूर से रूसी पनडुब्बी ने एक के बाद एक कई बुलावा मिसाइलें दागी जिन्होंने यूक्रेन के खार्कीव में भारी तबाही मचाई है। ज़ेलेंस्की रूस की बुलावा मिसाइल के हमले से बुरी तरह से घबरा गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन के डोनेस, खेरसोन, खार्कीव, सुमय, डॉनबास इलाके में रूसी सेना ने जमीन और आसमान से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। आग बरसाते रॉकेट, कोहराम मचाते तोप के गोले, खार्कीव में धड़धड़ाते रूसी टैंक ने यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ा दिए हैं। ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि रूस कितने भीषण हमले पिछले 24 घंटे से यूक्रेन के 5 इलाकों में कर रहा है। Мы же берем его оттуда. Вместе с вами. Я лежала на диване, я крал на дом, но я все готова. Особенно эти два дня, так и дай мне не страшно, что робится. रूस के लिए यूक्रेन का युद्ध वजूद का युद्ध बन चुका है। युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। रूस को बहुत बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को खोना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद निडर, जिद्दी और दमदार पुतिन ने न सिर्फ देश के आर्थिक हालातों को संभाला बल्कि अमेरिका और नेटो के अरबों डॉलर के हथियारों की बखिया उधेड़ कर रख दी है। इस बीच यूक्रेन ने खार्कीव फ्रंटलाइन के कमांडर को भी बदल दिया है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की ने क्षेत्र में स्थिति को मुश्किल बताया है। ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये लड़ाई कोई निर्णायक मोड़ ले सकती है। इधर यूक्रेन के लुकियांस्की और वोवुचेनस के कुछ इलाकों में रूस के हमले से बचने और यूक्रेनी सैनिकों की जान बचाने की कोशिशें हो रही हैं। Putin is ramping up yet another offensive against Ukraine in Kharkiv and across the east, sending wave after wave of Russian soldiers, Iranian drones, North Korean artillery, and tanks, missiles, and fighter jets built with machines and parts supplied by China. अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस ने यूक्रेन में कहां-कहां पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में कई यूक्रेनी पत्रकारों का हवाला देते हुए बताया गया कि बोरिसिविका, ओहेडसे, पेलना और स्ट्री लेचा के गांवों को शुक्रवार को 10 मई के दिन रूसी सैनिकों ने कब्जा लिया था। रूस ने यह भी दावा किया कि उसने प्लेटेनिविका पर भी कब्जा किया है। कुल मिलाकर यूक्रेन ने भले ही क्राइमिया में रूस के लड़ाकू हवाई अड्डे को भारी नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन यह भी हकीकत है कि रूस के तूफानी हमलों ने यूक्रेन के वजूद पर बहुत बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। और 7 महीने की बेहद खूनी जंग के बाद इज़राइल ने यह मान लिया कि हमास एक बार फिर से गाजा पट्टी में जिंदा हो गया है। गाजा युद्ध में अब तक 36,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह से रफाह में मौजूद हमास की 4 बटालियन इजरायली सेना पर खूने हमले कर रही है, उसने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भी होश उड़ा कर रख दिए। फिर ताकतवर हुआ हमास, आखिरी गढ़ में आईडीएफ का हमला। 7 महीने से ज्यादा की जंग के बाद अगर सवाल किया जाए क्या इजराइल हमास को हरा चुका है, तो इसका सीधा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। बल्कि हमास 7 अक्टूबर 2023 को हमला करने के बाद कुछ महीने जरूर कमजोर पड़ा था, लेकिन 200 से ज्यादा दिन की जंग के बाद हमास फिर इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि वो अब रफाह, जबालिया और खान यूनिस में इजरायली सेना पर कहर बनकर टूट पड़ा है।
रफा में घुसे मरकावा टैंक, सुरंग से हमास के हमले। जरा हमास की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए, जिसकी हर तस्वीर में इजराइल के टैंक और सैनिकों के चीथड़े उड़ते दिख रहे हैं। हमास के वीडियो में साफ देखा जा सकता है हमास के लड़ाके बारूदी सुरंगों और बम को इजराइल के मरकावा टैंक के नीचे लगाकर उसे उड़ा रहे हैं। इजराइल के टैंक से महज 10 से 20 मीटर दूर मौजूद सुरंगों में मौजूद हमास लड़ाके रफा में इस तरह से रॉकेट लॉन्चर से इजरायली सेना पर हमला कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि रफा में इस वक्त हमास की केवल 4 बटालियन ही बची होने का दावा किया गया है, जो इस वक्त रफा में इजराइल पर हमला कर रही है। इजरायली सेना दावा करे कि उसने हमास के 10,000 से ज्यादा लड़ाकों को मार डाला है, लेकिन देखा जाए तो हमास के हमले के तरीके और उसकी संख्या पर खास असर नहीं पड़ा है। उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा तक इजराइल ने हजारों टन बम बरसा दिए हैं, लेकिन गाजा पट्टी को 80% तबाह करने के बावजूद इजराइल दावा नहीं कर पा रहा है कि हमास का खात्मा हो चुका है। हमास के आखिरी गढ़ में खूनी हमला। अब सवाल उठता है कि गुस्से से लाल और थमथमाते चेहरे के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बार बार हमास के सफाई की कस्में 200 दिन बाद भी क्यों खा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए आप।